हर महिला के लिए मिसकैरेज शब्द ही सुनना बहुत ज्यादा डरावना होता है, लेकिन कभी कभी जब किसी महिला के साथ ये हो जाए तो उस महिला पर क्या बीतती है ये तो वो ही जानती है। वैसे तो हर महिला चाहती है कि उसका होने वाला बच्चा हेल्दी और बिना किसी तकलीफ के इस दुनिया में आए, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं के चलते कुछ महिलाएं मिसकैरेज का शिकार हो जाती हैं। मिसकैरेज जितना फिजिकली आपको तकलीफ देता है उतना ही मेंटली भी आपको तकलीफ देता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि मिसकैरेज आखिर होता क्या है। जब प्रेगनेंसी के 5 महीने से पहले ही पेट में होने वाला भ्रूण खत्म हो जाए तो उसे मिसकैरेज कहा जाता है। वहीं लगातार 3 या उससे ज्यादा बार मिसकैरेज होने पर उसे रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। एक स्टडी के हिसाब से दुनिया में हर 5 में से एक प्रेगनेंसी मिसकैरेज में खत्म हो जाती है। वहीं ज्यादातर मामलों में तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के बारे में पता होने से पहले ही उन्हें मिसकैरेज हो जाता है। आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मिसकैरेज के लक्षण क्या होते हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से इनको पहचान सकती हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पेट में क्रैम्प्स या दर्द होना। ये दर्द वैसे तो पीरियड्स में होने वाले दर्द जैसा ही होता है, लेकिन कभी कभी ये पीरियड्स के नॉर्मल दर्द से भी ज्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के इस समय पर आपको आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग या हल्की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं, और ये ब्लीडिंग लाल या भूरे रंग की भी हो सकती है, या वही ब्लीडिंग के बिना क्रैम्प्स होना भी मिसकैरेज का ही संकेत हो सकता है। इसमें क्रैम्प्स इस तरीके से आपको फील होते हैं जैसे आपका यूट्रस फैल रहा हो। कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ते जाना और ज्यादा तेज होना भी मिसकैरेज का ही एक संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में क्रैम्प्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो ये भी मिसकैरेज का ही एक लक्षण हो सकता है। वहीं प्रेगनेंसी के लक्षणों का कम हो जाना जैसे कि ब्रेस्ट में दर्द होना, उल्टी आना या फिर पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग होना, ये भी मिसकैरेज के लक्षणों में से ही हो सकते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं। इस दौरान कभी कभी दर्द महसूस होना आम सी बात है। इस समय आपको तेज और चुभने वाला दर्द हो सकता है। वहीं यूट्रस के बढ़ने की वजह से बाकी के अंगों पर प्रेशर पड़ता है और यूट्रस को संभालने वाली मसल्स स्ट्रेच होती हैं। इसलिए अगर आपको बहुत तेज और चुभने वाला दर्द हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये सब आपकी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के ही लक्षण होते हैं, जिनके बारे में अगर आपको पता चले तो आप तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जैसा कि हमने अभी तक ये जाना कि मिसकैरेज के लक्षण क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके रीजंस क्या होते हैं। गर्भपात होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक या फिर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। इसमें माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों के क्रोमोसोम में किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी होना मिसकैरेज का एक बहुत ही बड़ा रीजन बन सकता है। वहीं इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कभी कभी इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, एलर्जी, ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की समस्या होने के कारण से यूट्रस में भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस और कुशिंग सिंड्रोम जैसी एंडोक्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी आपको बार बार मिसकैरेज होने की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट करवाएं। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी में मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें कंसीव करने के लिए अंडे डेवलप नहीं हो पाते हैं और इससे आपके प्राइवेट पार्ट में या पेल्विक में इन्फेक्शन के कारण या फिर पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने या चोट लगने के कारण से भी मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। जो महिलाएं 35 साल से ज़्यादा उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करती हैं उन्हें भी बार बार मिसकैरेज हो सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ का आप खास ध्यान रखें और डॉक्टर से तुरंत अपॉइंटमेंट लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के 1 घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।